वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है दीक्षा स्टडी सेंटर पर। जबकि सीजीएल और ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, तो हम लोग देख लेते हैं जो इसमें रीजनिंग जो पार्ट होता है वो 25 क्वेश्चंस आएंगे और हर दो दो मार्क्स के होंगे और ये बहुत स्कोरिंग है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसमें 25 और 25 कैसे मिल सकता है। और इसमें हम लोग दो आज एक टॉपिक कर लेंगे, वो है एनालॉजी का। नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन का डाल दूंगा और ये कुछ दिनों में मैं पूरा रीजनिंग का वीडियो डाल दूंगा, आप उसको फॉलो करते रहिए। तो रीजनिंग आप एक भी आपका मार्क्स छूटेगा नहीं, आप 25 आउट ऑफ 25 स्कोर कर सकते हैं। तो आज हम लोग टॉपिक देख लेते हैं जो है एनालॉजी का। एनालॉजी आप लोग देखें तो एनालॉजी तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है। एक तो वर्ड एनालॉजी, वर्ड रिलेटेड आता है। एक है लेटर रिलेटेड एनालॉजी आता है जो ए बी सी डी ऐसे करके देता है। और एक है हम लोग का नंबर एनालॉजी जो नंबर में देता है, 2, 3 ऐसे जो नंबर्स होते हैं उस नंबर में एनालॉजी देता है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली ये तीन कैटेगरी है। एनालॉजी से मिनिमम आपका 25 के अंदर एटलीस्ट 3 to 4 एनालॉजी के ऊपर टॉपिक से आपका आएंगे क्वेश्चंस आना है। तो आप इसको बहुत अच्छा से प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको जो दिखा दे रहा हूँ वो प्रोसेस से आप घर में आर्यन का एक बुक आता है वर्बल नॉन वर्बल का, तो आर्यन का बुक ले लीजिए आप, उससे प्रैक्टिस कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मेरे लिंक के नीचे, और आप नहीं तो मेरे फेसबुक में भी मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं आज। पहले तो वर्ड एनालॉजी देख लेते हैं। वर्ड एनालॉजी में दिया गया है, देखिए दोस्तों, फर्स्ट ये सब सीजीएल का क्वेश्चन है, एसएससी का क्वेश्चन है जो एसएससी में आए हैं। तो आप देख लीजिए क्या है। जैसे वर्ड एनालॉजी में देखिए फैन और विंग्स दिया हुआ है, तो फैन में क्या होता है, विंग्स लगा हुआ रहता है। तो सिमिलरली व्हील में क्या होगा, व्हील में आपका स्पोक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो क्योंकि व्हील जो चक्का होता है उसमें क्या रहता है, स्पोक्स रहते हैं, तो व्हील स्पोक्स हो जाएगा। सिमिलरली देखिए डॉक्टर क्या है, डॉक्टर क्या यूज़ करता है, स्टेटिस्कोप। तो सिमिलरली पेंटर क्या यूज़ करता है, क्या चीज़ से, ब्रश से वो पेंटिंग करता है, तो ब्रश आंसर हो जाएगा। फिर देख लेते दोस्तों सेलर किस में रहता है, शिप में। तो सिमिलरली लॉयर किस में रहता है, लीगल में तो नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, रूलिंग नहीं होगा, किस में होगा, कोर्ट में, कोर्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं न्यूमिस्मेटिक्स क्या, किसका पढ़ाई होता है दोस्तों, कॉइन का। सिमिलरली पैलेंटोलॉजी किसका हो जाएगा, फॉसिल्स का। अच्छा, और एक देख लेते हैं दोस्तों, हेट लव दिया हुआ है, मीन्स क्या है, हेट का ऑपोजिट दिया हुआ है लव, तो क्रिएट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो इसी तरह सा और भी पैटर्न है दोस्तों वर्ड्स में, जैसे आपका ये देख ले, जैसे इधर सिनोनिम है, एंटोनिम में भी दे सकता है, यूनिट मेजरमेंट में दे सकता है, तो बहुत सारा कैटेगरी आप देख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए। लेकिन आपको करना क्या है, देखिए यूजली एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है, देख दोस्तों एनालॉजी का मीनिंग क्या होता है, ये जो डबल इज टू दिया हुआ है दोस्तों, ये एक्चुअली इक्वल टू का काम करता है। मतलब इधर जो रिलेशन होगा सेम रिलेशन इधर भी होगा, तो इधर जैसे फैन और विंग्स का रिलेशन हो रहा है, सिमिलरली सेम रिलेशन इधर भी होगा, तो इसलिए व्हील और स्पोक्स का रिलेशन होता है। तो पैटर्न जो भी हो आपको समझना है, पकड़ना है, इधर रिलेशन क्या दिया हुआ है, सिमिलरली आपको इधर का रिलेशन निकालना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं दोस्तों, लेटर एनालॉजी। लेटर एनालॉजी आप ये जो है ये ज़रूर लिख लिया कीजिए एग्ज़ाम में, जो ए से एम तक, फिर उसके नीचे एन से जेड तक, उसका नंबरिंग भी याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या है। देखिए दिया हुआ है क्या, नोट, NOT, और वो क्या हो रहा है, RSXI। तो हमको निकालना है इसका रिलेशन जो होगा, सिमिलरली इसका और इसका रिलेशन सेम होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं, देखिए एन क्या हुआ है, एन हुआ है R, तो मतलब गैप कितना है, 1, 2, 3 वर्ड बीच में है, N जो हुआ है R, तो बीच में कितना है, 3 वर्ड है, O है, P है, Q है। सिमिलरली देख लेते, O जो है O क्या हो गया, O हो गया आपका, नेक्स्ट आ रहा है क्या, O है S, तो O बन रहा है आपका S, फिर 3 गैप है, मतलब 3-3 करके गैप हो रहा है। तो हम लोग देख लेते हैं हमको क्या बोला है, R, R में 3 गैप होगा, तो देखिए STUV हो जाएगा। तो हम लोग आंसर में देख लेते, V देखिए सब में है, फिर देख लेते I के बाद 3 क्या होगा, I के बाद 3 देखिए M हो जाएगा, तो VM आंसर आ जाएगा। देखिए VM इसमें है, VM इसमें, VM इसमें है। ठीक है, हम लोग देख लेते S के बाद 3 क्या आ जाएगा, देखिए S है, 3 के बाद क्या आ जाएगा, W, तो VMW, देखिए VMW इसमें भी है, VMW इसमें भी है,
तो लास्ट तक हम लोग को देखना पड़ेगा के, के बाद तीन क्या आता है दोस्तों, ओ आता है, तो हम लोग का ओ इसमें है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते क्या है, देखिए जम है मार्क हुआ है तो स्टार क्या हुआ है। देखिए आप इसको अच्छा से देखिए, तो ई आर ई आर, ये ई आर ई आर दोनों सेम है, चेंज क्या हुआ है, ए जी लास्ट में गया हुआ है और एम जो है फर्स्ट में चला हुआ है, ये जी और एम अपना पोजीशन चेंज कर लेते हैं। तो सिमिलरली ए सर अपना पोजीशन चेंज करें तो आर पहले आएगा और एस बाद में चला जाएगा और टी ए सेम होगा, तो देखिए इसमें आ जा रहा है मैं हम लोग का ऑप्शन, ठीक है, आर पहले आ चुका है, एस लास्ट में गया है और टी ए अपना पोजीशन सेम रखा है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, एम एन ओ पी के एल एम एन हुआ है तो सी आर ए वी क्या होगा, तो देखते क्या है, एम क्या हुआ है के हुआ है, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं, एम क्या हुआ है के, माने एक पीछे चला गया है, ठीक है। अच्छा एन क्या हुआ है एल, एन क्या हुआ है एल, फिर एक पीछे, माने सब एक एक पीछे जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोग देख लेते हैं सी का एक पीछे क्या होगा, सी का एक पीछे ए होगा, तो देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, तो दो ऑप्शन हम लोग देखना पड़ेगा, ये दो छोड़ देंगे। फिर आर के एक पीछे क्या होगा दोस्तों, देख लेते हैं, आर के पीछे, आर के एक पीछे पी आ जाएगा, तो देखिए पी किस में है, ए पी इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो ये आंसर हम लोग को और आंसर देखने की ज़रूरत ही नहीं, हम लोग डायरेक्ट मार देंगे। देखिए महेश क्या हो रहा है 154362 सेम क्या होगा, ठीक है, तो देखिए इसमें पहले तो देख लेते एस का मान क्या है, एस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एस का वैल्यू 6 हो जाएगा, क्योंकि कौन पोजिशन में है, इसमें देखिए राइट से सेकेंड पोजिशन में एस आ रहा है, तो इसमें सेकेंड पोजिशन में 6, तो मतलब एस का वैल्यू आपका 6 आ जाएगा, तो देखिए 6 तो सब में है, ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद क्या है, एच है, देखिए एच का क्या वैल्यू है, एक तो एच का वैल्यू 4 आएगा और एक एच का वैल्यू 2 आएगा, तो देखिए 4 तो कहीं पे भी ऑप्शन में नहीं है, तो 2 ऑप्शन में, इसमें 2 है, इसमें 2 है, तो हम लोग 2 2। अब हम लोग सब पूरा चेक नहीं करेंगे, हम लोग जस्ट लास्ट वर्ड देख लेते हैं, क्योंकि देखिए लास्ट वर्ड में ही चेंज है, इसमें 3 और इसमें 1 है, तो हम लोग लास्ट वर्ड दिया क्या है वह ई, तो ई का वैल्यू क्या है, देखिए ई का वैल्यू दिया हुआ है 3, तब ई का वैल्यू, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम लोग को सॉल्व करना है दोस्तों, हम लोग को पूरा चेक नहीं करना है, टाइम बचाना है, क्योंकि आप जो रीजनिंग में आपको मैक्सिमम टाइम 20 मिनट मिलेगा, 20 मिनट्स मिलेगा टायर वन के लिए, तो 20 मिनट्स भी बहुत है आपको, अगर इसको 15 मिनट्स में करना है तो 15 मिनट्स में आपको पूरा चेक करने से आपको नहीं होगा, तो इतना जल्दी आपको करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते क्या है दोस्तों, एम पी एन क्यू क्यू टी आर यू हुआ है और एफ आई जी पी क्या हो रहा है, तो देखिए एम पी हम लोग क्या देखें, एम पी क्या हुआ, देखिए दोस्तों देखिए एम पी हुआ है, मैंने दो बीच में गैप है, सिमिलरली देखिए एन क्यू हुआ है, एन जो है क्यू हुआ है, दो गैप है, तो दो दो गैप में हुआ है, तो हम लोग ऑप्शन में देख लेते क्यू और क्यू टी आर यू हो रहा है कि नहीं, तो देखिए क्यू जो है वो टी हो रहा है और आर जो है वो यू हो रहा है, तो इसमें भी दो दो गैप है, तो ये रिलेशन इसमें आ रहा है। सिमिलर हम लोग देख लेते क्या पूछा है, हम लोग को एफ आई जी पी पूछा है, तो हम लोग देख लेते एफ आई जी पी हो रहा है, एफ आई जी पी इसमें क्या रिलेशन हो रहा है, देखिए एफ जो है आई हो रहा है, दो गैप है, और जी जो है वो पी हो रहा है, कितना गैप है, देखिए जी और पी में दो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ लेटर गैप है जी और पी में, तो सिमिलरली ऑप्शन में देख लेंगे क्या है, ऑप्शन में देखिए पहले तो जे एम है, तो जे एम क्या आ रहा है, देखिए जे एम दो गैप है, और उसके बाद क्या आ रहा है, देखिए जे एम है और के टी है, के टी देख लेते क्या गैप है, के और टी देखिए कितना गैप है, के एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, देखिए के टी, तो हम लोग का ऑप्शन ई आ गया और हम लोग को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी एक बार चेक कर लेते, देखिए पी के है, तो देखिए पी और के कोई रिलेशन नहीं आ रहा, नहीं आएगा, एम उसके बाद क्या है, एम और पी है, तो देख लेते एम और पी, एम और पी ये तो आ रहा है, लेकिन देखिए उसके बाद क्या है, एम पी तो है, एम पी तो है, एन के है, तो देखिए एन और के का रिलेशन दो है, तो ये नहीं आएगा, तो हम लोग का ऑप्शन ए ही बन जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट पैटर्न देख लेते हैं दोस्तों, वो नंबर एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी में क्या हो रहा है, देखिए 981 हो रहा है, मतलब स्क्वायर हो गया है, तो सिमिलरली 256 किसका स्क्वायर है, 256 हम लोग का 14 का स्क्वायर है, सॉरी 16 का स्क्वायर है,
तो हम लोग 16 मार देते हैं। नेक्स्ट देखिए 42 56 हो रहा है तो 110 क्या हुआ, तो 42 कैसे हो रहा है देखिए, ये क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। देखिए 7 स्क्वायर माइनस 7, 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर हो गया आपका 49, उसमें से अगर 7 माइनस करेंगे तो ये आपका 42 आ गया। तो सिमिलरली 110 कैसे आ जाएगा दोस्तों, ये आपका 11 स्क्वायर माइनस 11 मतलब 121 माइनस 11 होगा तो 110 हो जाएगा। तो सिमिलरली हम लोग का आंसर में क्या होगा, तो आंसर में हम लोग देख लेते हैं। अच्छा ये 7 हुआ और 56 कैसे है, 8 स्क्वायर है, 8 स्क्वायर माइनस 8 तो 11 है, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा, 12 स्क्वायर माइनस 12 हो जाएगा, तो 12 स्क्वायर क्या है, 12 स्क्वायर 144 है, माइनस 12 करेंगे तो 132 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अच्छा इसमें देखिए ऐसा भी आता है, एक सेट दिया रहता है, गिवन सेट ऐसे दिया हुआ है तो आपको आंसर निकालना है। सेट में क्या है देखिए, ये प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन है, आप देख लेना पड़ेगा क्या पैटर्न है फॉलो। देखिए 6 से 15 हुआ है, कितना इंक्रीज़ हुआ है, 6 से 15 में इंक्रीज़ हुआ है आपका 9 प्लस हुआ है, और 15 से 28 में कितना इंक्रीज़ हुआ है, 13। तो सिमिलरली देख लेते हैं इसमें कौन सा पैटर्न में है। देखिए इसमें तो 9 इंक्रीज़ हुआ है लेकिन 13 इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, इसमें भी नहीं हो रहा है, देखिए इसमें भी नहीं हो रहा है, देखिए इसमें 9 इंक्रीज़ हो रहा है 13 इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये देख लेते हैं दूसरा दोस्तों क्या है, 4252 हो रहा है, 613 क्या हो रहा है, तो इसमें क्या किया हुआ है, देखिए इसमें जैसे 2 है तो आपको समझ में पड़ेगा ऑब्वियसली इसका एडिशन हुआ है यूनिट का, तो 527 7 एंड 4 11, तो 11 तो 11 है, फिर 11 को ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली ये क्या है 314 416 10, तो 10 1 और 0 को ऐड करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों क्या है, देखिए 246 ये हो रहा है तो 357 क्या हो रहा है, क्या किया है देखिए, ये 2 का स्क्वायर इधर आ गया, 4 का स्क्वायर इधर एंड 6 का स्क्वायर इधर, तो सिमिलरली क्या होगा दोस्तों, तो आपका देखिए तो 2 6 जो लास्ट है उसका स्क्वायर पहले आएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 आ जाएगा देखिए, फिर 5 का स्क्वायर 25 और 3 स्क्वायर 09, देखिए कौन सा ऑप्शन में है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों देख लिया आप लोग एनालॉजी की टोटल, तो एनालॉजी में यही पैटर्न है, यही है, आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए घर में, और कुछ होता नहीं है, आपको खाली देखना है, रिलेशन बनाना है, इधर जो रिलेशन होगा सिमिलरली इधर भी वो रिलेशन होगा, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, और हम लोग इसके बाद हर एक चैप्टर के ऊपर वीडियो देते रहेंगे, आप उसको फॉलो करते रहिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, सो दैट आपको सब इन्फॉर्मेशन मिलते रहे, और रीजनिंग बहुत स्कोरिंग है, आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ दोस्तों, बाय।